नमस्कार। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करूंगा सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में जो आज का फर्स्ट T20 मुकाबला होने वाला। इसमें हम लोग यहाँ पे 1 करोड़ वाली ग्रैंडिक को टारगेट करते हुए टॉप 5 ग्रैंडिक की टीमें बनाएंगे। हर एक टीम के पीछे फ्रेंड्स आपको अलग सा लॉजिक, अलग सा कैलकुलेशन देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से वॉच करना। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा ना तो लास्ट में जाकर एक लाइक आप लोग वीडियो को जरूर से कर देना, ठीक है। वीडियो फ्रेंड्स आपको 2 टाइप के गिवे भी मिलने वाला। एक गिवे तो वो रहेगा फ्रेंड्स जिन सबसे पहले जिन 5 बंदों ने इस वीडियो को लाइक कमेंट किया होगा उनको फ्रेंड्स एक गिवे मिलेगा। एक गिवे फ्रेंड्स आपको थोड़ी देर में मिलने वाला। मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं कि कहां पे वो एप्लीकेशन में आपको वो गिवे मिलने वाला, ठीक है। टोटल जो गिवे रहेगा वो 25,000 रुपये का रहेगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो फ्रेंड्स गिवे तो है ही है, लेकिन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये 5 टीमें जो रहेगी फ्रेंड्स वो ग्रैंडिंग की बेस टीमें रहेगी, यानी कि इन्हीं से सिमिलर टीमें फ्रेंड्स आपको ना इस वाली ग्रैंडिंग में टॉप करती हुई आपको दिख जाएगी। आप लास्ट में आके चेक भी कर सकते हो कि कौन सी टीम का जो कॉम्बिनेशन है इस वाली ग्रैंडिंग में टॉप पर है, ठीक है। ये चीज़ की गारंटी है कि फ्रेंड्स आपको कोई ना कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पर टॉप में जाता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि हम लोग बिल्कुल ग्रैंडिक के बेस में जाके बात करते हैं, ठीक है। इतना डीप फ्रेंड्स ग्रैंडिक के आपको कोई भी चैनल नहीं बताएगा ग्रैंडिक के बारे में, जितना डीप आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स 10-12 मिनट का वीडियो रहेगा, आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना। 10-12 मिनट में फ्रेंड्स आप लोगों के लिए जो 1 करोड़ का आपका सपना है ना वो पूरा हो सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप लोग वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सिंपली फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आप सभी लोगों से कहूँगा कि जो हमारी फाइनल टीम रहती है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलती है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर फ्रेंड्स आपको अपडेटेड जो 5 टीम रहेगी, आपको पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मुकाबला होने वाला, और यहाँ पे कुछ भी अपडेट हो सकता है, ठीक है। आपको पता है कि फ्रेंड्स अभी तक ऑफिशियल प्लेइंग 11 नहीं अनाउंस हुई है। टॉस के बाद फ्रेंड्स हो सकता है कुछ चेंजेस हो, टॉस का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हो @fantasy factor, ठीक है। यहाँ पे 21,000 से ज्यादा मेंबर्स आपको मिल जाएंगे। तो यही वाला चैनल फ्रेंड्स आपको ज्वाइन कर लेना। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपली टीम के बारे में, जो कि हमारी आज की टॉप 5 ग्रैंडिक की टीमें होने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे स्मॉल लीग के लिए भी कुछ सजेशन दे दूंगा फ्रेंड्स कि किस तरीके से आप लोग स्मॉल लीग में यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना सकते हो, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। इसके अलावा जो भी डिस्काउंट वगैरह आप लोग यहाँ पे देखिए, मुझे फ्रेंड्स बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिला है। तो आप लोगों को भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से डिस्काउंट मिलता है फ्रेंड्स। इस डिस्काउंट की जो जानकारी है ना वो भी मैं फ्रेंड्स आपको कहाँ पे दे दूंगा, टेलीग्राम के ऊपर दे दूंगा। कुछ क्वेश्चन आते हैं आपको पता है उनके सही आंसर देने होते हैं, और आप लोग को फ्रेंड्स जो है डिस्काउंट हर एक मैच में मिल जाता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन के आंसर रहेंगे ना वो भी मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर दे दूंगा। तो टेलीग्राम को आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लेना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट टेलीग्राम के ऊपर होने वाला है, ठीक है। और भी बहुत सारे गिवे वगैरह जो रहेंगे वो भी आपको टेलीग्राम के ऊपर ही मिलेंगे। तो टेलीग्राम फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इस मैच का ना जो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट चीज़ें उसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि टॉस का यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, क्योंकि ये मुकाबला कहां पे होगा फ्रेंड्स, ये जयपुर में ये मुकाबला होगा शाम के 7 बजे। और आपको पता है फ्रेंड्स 7 बजे के बाद वाले जो मुकाबले होते हैं उसमें ड्यू फैक्टर होता है, यानी कि फ्रेंड्स जो बैटिंग सेकंड टीम है ना उसका मतलब यहाँ पे विन करने के चांस बहुत ज्यादा हाई होता है। ये चीज आप लोग IPL में भी देख चुके हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों ने मतलब इस पिच की मैं बात करूँ ना, जयपुर में यह मुकाबला होगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 2019 में IPL के ही मुकाबले हुए थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स IPL में जो मुकाबले हुए थे यहाँ पे 2019 में, 2020 में यहाँ पे कोई मुकाबले नहीं हुए, 21 में कोई मुकाबले नहीं हुए। तो बहुत लॉन्ग टाइम से फ्रेंड्स इस पिच पे कोई मुकाबले नहीं हुए। तो बैटिंग फर्स्ट कहीं ना कहीं फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे इस पिच के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस तरीके से ये पिच फ्रेंड्स यहाँ पे बिहेव करने वाला है, ठीक है। तो सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पे जो 2019 में मुकाबले हुए थे उसमें आप लोगों ने देखा था कि जो टीम चेस कर रही है ना फ्रेंड्स उसका रिकॉर्ड यहाँ पे काफ़ी अच्छा था। 63% मैच फ्रेंड्स यहाँ पे चेस करने वाली टीम ने विन किया था। तो आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे चेजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, ठीक है। अगर टीम इंडिया को विन करना तो टीम इंडिया को टॉस विन करना पड़ेगा। टॉस विन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बॉलिंग को इन्हें चूज करना पड़ेगा, ठीक है। देन फ्रेंड्स यहाँ पे चेस करना बहुत ज्यादा इजी है, तो हर एक चीज यहाँ पे इंडिया के फेवर में होने वाली है। और आपको पता है ये मैच इंडिया में होगा, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इंडिया का ये भी एक प्लस पॉइंट आप लोग मान सकते हो, ठीक है। वैसे भी हम लोग चाहते हैं कि हमारा इंडिया विन करे, तो डेफिनेटली आप लोग भी फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना इंडिया के लिए, ठीक है। अभी हम बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपली ग्रैंडिक के जो 5 टीमें हम लोगों ने बनाई है वो कौन से कैलकुलेशन, कौन से फॉर्मूले पर रख के बनाई है, तो चलिए जान लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ग्रैंडिक का फ्रेंड्स जो मूल मंत्र, मेन फॉर्मूला जो होता है वो होता है फ्रेंड्स इमेजिनेशन। जितना अच्छा आप लोग मैच को इमेजिन कर सकते हो ना उतनी अच्छी आप लोग ग्रैंडिक की टीम बना सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। इमेजिन आपको क्या करना है, इस मैच का रिजल्ट आपको इमेजिन करना है कि इस मैच का रिजल्ट क्या आ सकता है। तो फ्रेंड्स इस मैच के 2 ही रिजल्ट आ सकते हैं, या तो यहाँ पे इंडिया की टीम विन करेगी या तो यहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम विन करेगी, ठीक है। इस 2 के अलावा कोई तीसरा रिजल्ट आ सकता नहीं आ सकता फ्रेंड्स, ठीक है। तो इन 2 रिजल्ट के ऊपर ही आपको बहुत ज़्यादा डीप सोचना पड़ेगा। कैसे सोचना पड़ेगा मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अगर टीम इंडिया विन करी तो कैसे विन करी, सपोज टीम इंडिया की पहले बैटिंग आई, इनके ओपनरों ने बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर दिया, ठीक है। उस केस में क्या हो जाएगा, इनके ओपनरों को आपको कैप्टन वाइस कैप्टन एक टीम में ट्राई कर लेना, ठीक है। ओपनिंग पीयर इनका चल सकता है। कुछ एडवांस चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि पीयर प्रेडिक्शन किस तरीके से काम करता है ग्रैंड लीग के ऊपर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स पीयर प्रेडिक्शन, क्योंकि इसी के ऊपर आपके कैप्टन वाइस कैप्टन डिपेंड करते हैं, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन का जो पीयर रहता है फ्रेंड्स वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रैंड लीग के ऊपर। 50% ग्रैंड लीग आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन के पीयर के साथ ही विन कर सकते हो। बाकी जो 50% ग्रैंड लीग है उसे फ्रेंड्स आप लोग ट्रम्प कार्ड प्रेडिक्शन, ठीक है, सेकेंडरी प्लेयर प्रेडिक्शन, इसके ऊपर आप लोग विन कर सकते हो, ठीक है। आप लोग किसी भी टीम में फ्रेंड्स आप लोग जो ग्रैंड लीग विन करता है ना उसकी टीम आप लोग उठा के देख लीजिए, उसमें फ्रेंड्स आपको एक पीयर प्रेडिक्शन भी देखने को मिलेगा कि उसने कैप्टन वाइस कैप्टन परफेक्ट चूज किए होंगे। दूसरा क्या चीज आपको देखने को मिलता है, उसकी टीम में आपको ट्रम्प कार्ड देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तीसरा आपको फ्रेंड्स उसकी टीम में कुछ ऐसे प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे जिनका सिलेक्शन 30%, 20%, 10% के अराउंड रहता है। इनको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्लेयर हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इस मुकाबले के लिए कौन से सेकेंडरी प्लेयर होने वाले हैं इसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। सिंपली फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पे टीम नंबर 1 में जो चीज इमेजिन किया है, जो कि हम लोग चाहते भी है कि टीम इंडिया इस मुकाबले को विन करेगी, ठीक है। हर्षल पटेल को मैंने यहाँ पे कैप्टनसी दी है। फ्रेंड्स देखो ये प्लेइंग 11 के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि प्लेइंग 11 अभी कंफर्म नहीं है। कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनकी जगह पे कुछ प्लेयर आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग देखोगे हर्षल पटेल के भी फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ऐसे 90% चांस है खेलने के। बाकी हो सकता है कि यहाँ पे 10% आफ्टर टॉस ना खेले या फिर कोई अदर प्लेयर। यहाँ पे बहुत सारे आपको पता है जो इंडिया का स्क्वाड इस बार अनाउंस हुआ उससे फ्रेंड्स काफ़ी सारे ऐसे टैलेंटेड प्लेयर अवेलेबल है कि यहाँ पे किसी को भी मौका दिया जा सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों की बात हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता टॉस के बाद फ्रेंड्स हर किसी को पता चल जाता है कि कौन सा प्लेयर खेल रहा कौन सा प्लेयर नहीं खेल रहा। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करते, इंपॉर्टेंट करता है कि आपका जो प्रेडिक्शन है वो कितना ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे टीम इंडिया को विन करा रखा फ्रेंड्स। पिच के अकॉर्डिंग मैंने देखते हुए जो परफेक्ट प्लेयर मुझे कैप्टन वाइस कैप्टन का लगा तो मुझे हर्षल पटेल और लोकेश राहुल का लगा, ठीक है। रोहित शर्मा को भी मैं कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ पे ट्राई कर सकता, लेकिन आप लोग मतलब लास्ट के 2-3 सालों से आप लोग एक चीज़ उठा के देखना, जो भी इंडिया ने मैच खेले ना फ्रेंड्स, रोहित शर्मा फ्रेंड्स सिर्फ 2 या 3 ही मैच में स्टार्टिंग में चले हैं। बाकी मैचों में आप लोग को रोहित शर्मा फ्लॉप होते हुए दिखे हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। दूसरे तीसरे मैच के बाद फ्रेंड्स आपको रोहित शर्मा थोड़ा सा चलते हुए नजर आते हैं। ये फ्रेंड्स रोहित शर्मा का मैं लास्ट 3-4 सालों से रिकॉर्ड देख रहा हूँ कि इस तरीके से रोहित शर्मा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा लोकेश राहुल मुझे उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म करके दे सकते हैं, इसीलिए मैंने इनको वाइस कैप्टन किया। कैप्टन मैंने यहाँ पे हर्षल पटेल को किया। आप लोगों ने IPL में देखा होगा कि RCB की तरफ से किस तरीके से हर्षल पटेल ने बॉलिंग कराई थी, जहाँ पर फ्रेंड्स हर एक बॉलर मतलब विकेट नहीं मिल पा रहे थे, वहां पे भी हर्षल पटेल ने बहुत अच्छे विकेट निकाल के दिए। तो वही चीज मैं यहां पे हर्षल पटेल से एक्सपेक्ट करूंगा, ठीक है। बाकी आप लोग इनके बॉलिंग प्लेयर के साथ भी जा सकते हो, जैसे कि आपको लग रहा है कि भुवनेश्वर कुमार भी बहुत अच्छे विकेट निकाल सकते हैं। यहाँ पे ऑफ स्पिनर जो हमारे रविचंद्र अश्विन है, ठीक है, ऑफ स्पिन किंग, तो इनको भी आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे बॉलिंग का प्लेयर भी काफी जबरदस्त निकल के आ रहा है इंडिया की तरफ से। तो आप लोग इंडिया के बैट्समैनों से बेटर है कि आप लोग इंडिया के बॉलिंग प्लेयर के साथ आप लोग ज्यादा जाने की कोशिश करना, ठीक है। खासकर अगर इंडिया यहाँ पे चेस कर रहा होगा तब तो फ्रेंड्स डेफिनेटली जो बॉलिंग प्लेयर है वो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। सिंपली जो 4 प्लेयर मैंने इस टीम में लिया वो न्यूजीलैंड की तरफ से पिक किया। वो 4 ऐसे प्लेयर फ्रेंड्स अगर न्यूजीलैंड हारेगा भी ना तब भी आपको कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस करके डेफिनेटली देने ही वाले हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे टीम नंबर 2 की। तो टीम नंबर 2 में हम लोगों ने क्या चीज़ इमेजिन किया कि न्यूजीलैंड इस मुकाबले को विन किया। तो न्यूजीलैंड की तरफ से मैंने 7 जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनको मैंने पिक कर लिया। न्यूजीलैंड के दोनों ओपनरों को मैंने यहाँ पे पिक किया और इनके जो 5 मेन बॉलर हो सकते हैं, आप जिम्मी निशम की जगह चाहो तो यहाँ पे सेंटनर को पिक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जिम्मी निशम का कंफर्म नहीं है कि कितने ओवर बॉलिंग कराएंगे या फिर नहीं कराएंगे, ठीक है। लेकिन मेरे को लगता है कहीं ना कहीं 2 से 3 ओवर यहाँ पे डाल सकते हैं जिम्मी निशम भी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पे जेम्स निशम होने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपली मैंने कैप्टन के लिए जो मुझे इनकी तरफ से सबसे परफेक्ट बंदा लगा वो मुझे लगा यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट, और वाइस कैप्टन के लिए जो मुझे सबसे परफेक्ट पेयर, देखो ये पेयर प्रेडिक्शन है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन का पेयर आप लोग देखिए, देख के लग रहा होगा कि हाँ यार ये दोनों अगर सपोज न्यूजीलैंड विन करती है तो ये दोनों के दोनों प्लेयर ड्रीम टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बन सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ट्रम्प कार्ड प्रेडिक्शन टाइप का प्लेयर आपको चाहिए कैप्टन वाइस कैप्टन के रूप में। तो डी मिचल यार बहुत जबरदस्त फॉर्म में चला था रिसेंट जो T20 वर्ल्ड कप मुकाबला उसमें आप लोगों ने देखा है, ठीक है। तो डी मिचल को भी आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ पे ट्राई करके चल सकते हो, ठीक है। लॉकी फर्गुसन फ्रेंड्स काफी जबरदस्त अगर खेलेगा तो डेफिनेटली ये बंदा भी हो जाएगा कैप्टन के लिए बहुत ज्यादा कैपेबल पर्सन। खासकर इनका बॉलिंग प्लेयर भी काफी जबरदस्त है, चाहे आप लोग इस्सोडी को ले लो, चाहे आप लोग टिम साउथी को ले लो, चाहे आप लोग लॉकी को ले लो, चाहे आप लोग यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट को ही ले लो, ठीक है। तो इनका बॉलिंग जो प्लेयर है फ्रेंड्स वो भी काफी अच्छा बन रहा, तो इनके बॉलिंग प्लेयर के साथ भी आप लोग जा सकते हो, ठीक है। 5 टीमें तो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन इन टीमों में जो चीज़ें आपको समझा रहा हूँ ना उनसे आप लोग इजीली 10 टीमें भी बना सकते हो, 20 टीमें भी आप लोग बना सकते हो। आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो आप लोग और भी ज़्यादा टीमें बना सकते हो, ठीक है। 2 टीमें आपको बता चुका, पहले में हम लोगों ने इंडिया को विन करा रखा, दूसरे में हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली न्यूजीलैंड को विन करा रखा, ठीक है। तीसरी टीम को देखने से पहले फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो आप लोग के लिए 25,000 रुपये का गिवे रखा गया है, ठीक है। वो गिवे आपको कहाँ पे मिलेगा फ्रेंड्स, वो मिलेगा आपको माई फेयर बलून एप्लीकेशन के ऊपर। आज का मैच आपको सिंपली ओपन करने से एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में पिन किया मिलेगा, वहाँ से जाकर आप लोग इसे आपको डाउनलोड करोगे, देख सकते हो ये 25,000 ₹1000 का गिव अवे आप सभी भाई लोगों के लिए। तो सभी लोग यार, भाई हो चाहे बहन हो, सभी लोग गिव अवे को जरूर से पार्टिसिपेट कर लेना, ठीक है। बीच जो लिंक दिया है उससे आप अगर आप लोग डाउनलोड करोगे तो ₹100 का आपको ज्वाइनिंग बोनस मिल जाएगा। फिर आप लोग फर्स्ट डिपॉजिट करोगे तो फ्रेंड्स आपको 100% कैश बोनस मिलेगा जो कि 5999 तक आपको मिलेगा। आपको इसके बीच में कितना भी अमाउंट आप लोग डिपॉजिट कर सकते हो अपने बजट के अकॉर्डिंग, आपको 100% कैश बोनस मिलने वाला। फिर आपको फ्रेंड्स आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे जो आज का मैच होने वाला है इसमें आपको 100% बोनस लीग भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा और भी अच्छे खासे डिपॉजिट ऑफर है, अगर आप लोग चाहते हो कि आपको फ्री एंट्री मिले तो देख सकते हो। यहाँ पे 495 वाली जो लीग है ना, इसमें आपको यहाँ पे जो अमाउंट दिया है इसे आप लोग डिपॉजिट करोगे तो ये वाली लीग आपको फ्री मिल जाएगी, ठीक है। आप जितने बार यहाँ पर डिपॉजिट करोगे 20 बार तक आप लोग कर सकते हो, आपको फ्रेंड्स 20 बार यहाँ पे फ्री एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा आपका फायदा होने वाला। आपका बजट नहीं है इतना, तो आप लोग यहाँ पे 99 वाली जो लीग है इसमें भी आप लोग फ्री एंट्री ले सकते हो 20 बार तक, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी लीग आपको देखने को मिल जाएगी जहाँ पे आप लोग अपने बोनस को ईजिली बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। बोनस का यूज भी आपको यहाँ पे 100% तक देखने को मिल रहा। और फ्रेंड्स अगर आपको नहीं करना बोनस का यूज तो सिंपली आप लोग यहाँ पे जाओगे वॉलेट में, यहाँ पे देखिए बोनस के नीचे आपको ना फ्रेंड्स यहाँ पे कन्वर्टर नाम से एक टूल मिल जाएगा, इससे आप लोग अपने कैश बोनस को रियल कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप का फीचर आप लोगों ने किसी और ऐप में नहीं देखने को मिला होगा, इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे इस एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ कि बहुत शानदार एप्लीकेशन है। जो ऑफर जो चीजें आपको यहाँ पे इस एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा आपको किसी भी अदर ऐप में फ्रेंड्स नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली जिन लोगों ने अभी तक इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया डेफिनेटली एक बार कर लेना, डेफिनेटली आपको ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं आप सिंपली टीम नंबर 3 की तरफ। तो फ्रेंड्स टीम नंबर 3 में हम लोगों ने यहाँ पे क्या चीज़ इमेजिन किया है कि चाहे फ्रेंड्स यहाँ पे इंडिया विन करे चाहे न्यूजीलैंड विन करे, ठीक है। लेकिन सपोज दैट अगर दोनों टीमों के बीच में यहाँ पे क्लोज फाइट होती तो किस टाइप की जो टीम कॉम्बिनेशन है उसके चलने के चांसेस हाई हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स सिंपली अगर आप लोग यहाँ पर रिकॉर्ड देखोगे तो थोड़ा सा न्यूजीलैंड का यार मुझे ना फेवर ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड अगर सपोज दैट विन भी करती है तो यहाँ पे फ्रेंड्स इंडिया अगर क्लोज फाइट देती है न्यूजीलैंड को तो किस टाइप का जो कॉम्बिनेशन है उसके चलने के चांस है, ठीक है। सिंपली मैंने यहाँ पे 2 ओपनर ले लिए, इस बार मैंने थोड़ा सा रोहित शर्मा को वाइस कैप्टन दे दिया, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं चलेंगे रोहित शर्मा तो आप लोग लोकेश राहुल को भी वाइस कैप्टन दे सकते हो। डी मिचेल को मैंने यहाँ पे कैप्टनसी दिया, ठीक है। इस टीम में आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान देना, जब क्लोज फाइट वाली टीम बनाओ तो 2-3 रिस्क प्लेयर आपको लेने ही लेने, ठीक है। रिस्क मैंने कहां पे लिया आपको मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले विकेट कीपर में देखिए टिम सेफर्ट जो कि फर्स्ट राउंड खेलने के चांसेस आज बन रहे हैं, इनको मैंने यहाँ पे ले लिया। 25% ऑनली सिलेक्शन है। बाकी आप लोग यहाँ पे जाओगे, यहाँ से देखोगे फ्रेंड्स बॉलिंग में, तो बॉलिंग में मैंने 2 ऐसे प्लेयर लिए जिनका सिलेक्शन बहुत कम है। रविचंद्र अश्विन का 31% है और यहाँ पे टिम साउथी का यहाँ पे 16% है, ठीक है। तो ये लॉजिकल रिस्क हो गया फ्रेंड्स, पूरा का पूरा कैलकुलेटेड रिस्क ये हो चुका है। ऐसा नहीं कि मैंने सारे के सारे प्लेयर रिस्क ले लिए, मैंने कुछ 3 प्लेयर यहाँ पे रिस्क लिए हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे अलग जाने की कोशिश की है, ठीक है। तो अगर सपोज दैट फ्रेंड्स यहाँ पे होता, क्योंकि हर किसी को पता है कि रोहित शर्मा स्टार्टिंग में नहीं चलते, अगर चल गए सपोज दैट तो तब भी हमारे पास फ्रेंड्स ये वाली जो टीम है ना क्लोज फाइट वाली, वो ग्रैंडिक को हिट करके ग्रैंडिक को वो क्रैक करके लाएगी, ठीक है। अभी हम चलेंगे टीम नंबर 4 की तरफ। तो टीम नंबर 4 में फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पे क्या चीज़ इमेजिन किया कि पिच के बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि पिच किस तरीके से रिएक्ट करता है। सपोज दैट फ्रेंड्स यहाँ पे पिच बैटिंग फ्रेंडली जाता, दोनों टीमों के पास अच्छे खासे क्वालिटी बैट्समैन अवेलेबल है। आप लोग इंडिया के पास देखिए ऋषभ पंत है, रोहित शर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, लोकेश राहुल है, ठीक है। फिर आप लोग यहाँ पे न्यूजीलैंड की तरफ से देखिए टिम सेफर्ट है, मार्टिन गुप्टिल है, जेम्स निशम है, डी मिचेल है, तो ये भी अच्छे खासे बैट्समैन यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। बाकी इनके पास यहाँ पे कैपमैन है, जी फिलिप्स भी खेल सकते हैं, तो इनको भी आप लोग चाहो तो रोटेट कर सकते हो यहाँ पे जिम निशम की जगह पे या फिर टिम सेफर्ट की जगह पे या फिर इंडिया की तरफ से भी किसी प्लेयर की जगह पे लेना चाहो तो ले सकते हो आप लोग, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस टीम में सिंपली आपको क्या करना है कि बैट्समैनों के फेवर में आपको जाना है। हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली क्या चीज इमेजिन किया है कि सपोज दैट मुकाबला दोनों टीमों का जो है बैटिंग फ्रेंडली जाता है, जैसे कि बैटिंग फ्रेंडली मुकाबले आपको मैक्सिमम T20 के भी देखने को मिलते हैं। किसी भी सीरीज में आप लोग उठा के देख लीजिए फ्रेंड्स, जैसे अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप के जो सेमीफाइनल फाइनल के मुकाबले हुए वो बैटिंग फ्रेंडली हुए, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे वही चीज होती है, बैटिंग फ्रेंडली ये मुकाबला जाता है जो कि T20 का फॉर्मेट भी माना जाता है बैट्समैनों के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये वाली जो टीम है ना इसके चलने के बहुत हाई चांस होंगे, ठीक है। आपको कैप्टन वाइस कैप्टन अच्छा नहीं लग रहा आप लोग किसी और को भी ले सकते हो। मैंने डी मिचेल को इसलिए लिया, थोड़ा सा अंडररेट है, और यहाँ पे सूर्य कुमार यादव का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के सामने अच्छा है, इसीलिए मैंने फ्रेंड्स इन दोनों का कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ पे किया है। आप चाहो तो यहाँ पे मार्टिन गुप्टिल, रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, पंत, इनको भी आप लोग यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, लेकिन करना आपको बैट्समैनों को ही है, क्योंकि हम लोग इमेजिन जो कर रहे हैं कि बैटिंग फ्रेंडली मुकाबला जाएगा, बैटिंग फ्रेंडली मुकाबला जाएगा तो बैट्समैन ही आपको मैक्सिमम परफॉर्म करके देंगे, ठीक है। अभी चलेंगे हम लोग यहाँ पे सिंपली टीम नंबर 5 की तरफ। तो टीम नंबर 5 के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे क्या चीज़ इमेजिन किया कि सपोज मुकाबला बैट्समैनों के पक्ष में न जाके बॉलरों के पक्ष में मुकाबला जाता, यानी कि बॉलिंग फ्रेंडली मुकाबला जाता। तो उस केस में जो हमारी ये वाली टीम है ना फ्रेंड्स, इसमें मैंने सारे के सारे अच्छे बॉलर दोनों टीमों के पिक करके ये ग्रैंडिक को क्रैक करके ग्रैंडिक को हिट करके लाएंगे, ठीक है। इसमें मैंने कैप्टनसी टीम साउथी को, वाइस कैप्टनसी मैंने यहाँ पे युजवेंद्र चहल को दिया। आप चाहो किसी और को देना तो आप लोग किसी भी बॉलर को यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो जो कि आपको अच्छा लगता हो, ठीक है। सिंपली फ्रेंड्स आपको इस टीम में एक चीज़ ध्यान देना कि आपको बॉलरों को ही कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना, क्योंकि हम लोग जो चीज़ इमेजिन कर रहे हैं कि मुकाबला बॉलिंग फ्रेंडली जाएगा, मुकाबला बॉलिंग फ्रेंडली जाएगा तो मैक्सिमम पॉइंट आपको फ्रेंड्स बॉलर ही लाके करके देंगे। तो फ्रेंड्स ओवरऑल ये 5 टीमों का जो लॉजिक था, जो कैलकुलेशन था, आपको समझ में आया होगा। अब जाके अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। पहली बार चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे हिट कर लेना, जिससे फ्रेंड्स जो भी हमारी वीडियो सबसे पहले आए आप लोगों के पास पहुंचे, आप लोग गिवे तो ज्वाइन, आप लोग गिवे में विनर बनो ही बनो। और भी फ्रेंड्स आप लोग जो ग्रैंडिक का रॉ मटेरियल है ना फ्रेंड्स, जो मतलब एकदम बेस वाला मटेरियल है, वो आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो आप सभी लोगों से बहुत सारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से किया कीजिए। पहली बार चैनल पे आए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फाइनल टीम के लिए आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को इस मैच का बहुत सारा गुड लक।